क्या पढ़ाई लिखाई, पढ़ा लिखाने के बाद किसी ने उसका मतांतरण कर दिया, मतांतरण करने के बाद उसका मन बदल के वो कोई मुस्लिम गुंडा उसको अपने चंगुल में फांस के ले गया। इस मुस्लिम गुंडे ने बेवजह मेरी लड़की को उसका मतांतरण करके उसको अपने साथ फंसा लिया है, ले गया है। और मुझसे कह रहे थे लड़की दोबारा मांगी थी तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हारे घरों में आग लगा देंगे, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, तो मैं डर के मारे आपके पास आया हूँ, मेरी लड़की वापस करा। हम लोगों ने तमाम प्रार्थना करी तो योगी जी को हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना के भेजा है, नहीं तो बड़ी गाय की गाय धांग की धांग काटी जाती थी। लोग खुलेआम उसका सिर मुंडिया हमारे घरों के ऊपर डाल देते थे, मंदिरों में शंकर जी की शिवलिंग पर रख देते थे, तमाम अत्याचार दुराचार बलात्कार अपहरण गुंडागर्दी जमीनों पर अवैध कब्जे करते थे। बड़ी मुश्किल से ये सरकार आई है, आप उसकी लड़की वापस कर दो। वो लड़की किसी हाल में वापस दी होगी क्योंकि यहाँ का सांसद और विधायक जो है मुझसे कह चुका है लड़की गई। देखिए ऐसा है, ये सारे लोग स्वार्थ क्षेत्र के हैं, एक सैनी परिवार है उसका नाम डोरीलाल सैनी है, बेचारा बहुत गरीब सज्जन भले परिवार के व्यक्ति है, अपनी खेती करके अपने बच्चों को पालता है। उसकी एक लड़की उनने बड़ी प्यार से मोहब्बत से पाली और बड़ा पढ़ाई लिखाई, पढ़ा लिखाने के बाद किसी ने उसका मतांतरण कर दिया, मतांतरण करने के बाद उसका मन बदल के वो कोई मुस्लिम गुंडा उसको अपने चंगुल में फांस के ले गया। वो कोतवाल के पास गया, पूरा परिवार रोया, पैर पकड़े हाथ जोड़े है कोतवाल साहब, किसी सूरत से मेरी लड़की वापस करा दो। मैंने बड़े प्यार से पाली है, मैं अपनी लड़की को कन्यादान करूंगा, प्यार से उसको शादी करूंगा। इस मुस्लिम गुंडे ने बेवजह मेरी लड़की को उसका मतांतरण करके उसको अपने साथ फंसा लिया है, ले गया है, मेरी लड़की वापस कर दो। मुझे कोई मुकदमा वकदमा नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, कमजोर हूँ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। और मुझसे कह रहे थे लड़की दोबारा मांगी थी तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हारे घरों में आग लगा देंगे, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, तो मैं डर के मारे आपके पास आया हूँ, मेरी लड़की वापस करा दी। तमाम रो रहा, हाथ जोड़ रहा, पैर छू रहा, कोतवाल को तरस नहीं आया। हमारे संगठन के लोगों को पता चला, बेचारे वो लोग गए, उन्होंने भी समझाया कोतवाल साहब। देखिए ये योगी जी की सरकार बड़ी मुश्किल से, हम लोगों के दुआओं से, हमारे लोगों की प्रार्थना से, हम लोगों ने तमाम प्रार्थना करी तो योगी जी को हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना के भेजा है, नहीं तो बड़ी गाय की गाय धांग की धांग काटी जाती थी। लोग खुलेआम उसका सिर मुंडिया हमारे घरों के ऊपर डाल देते थे, मंदिरों में शंकर जी की शिवलिंग पर रख देते थे, तमाम अत्याचार दुराचार बलात्कार अपहरण गुंडागर्दी जमीनों पर अवैध कब्जे करते थे। बड़ी मुश्किल से ये सरकार आई है, इस सरकार में हमारे लोगों का, हमारे हिंदू समाज जो कमजोर है उनकी मदद करो। कोतवाल को जरा सी भी दया नहीं, कोतवाल उल्टा सीधा बोलता रहा, किसी हाल में भी नहीं मानूंगा। और बोले यहाँ पे सांसद और जो विधायक है वो उन्होंने मुझसे कह दिया है कि लड़की किसी हाल में नहीं जाने चाहिए। वो कोतवाल जो है बुरी तरीके से हमारे लोगों से बर्ताव कर रहा था, हिंदू समाज को किसी तरह से इज्जत नहीं दे रहा था। हमारे लोगों ने हमसे कहा, हमने कोतवाल से कहा, भाई देखो ऐसी सरकार में तो योगी जी भी बेचारे कह रहे हैं हिंदुओं की मदद करो, गरीबों की मदद करो, SP तुम्हारे रामपुर के बहुत बढ़िया हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी बेचारे नहीं चाहते कोई यहाँ पे माहौल खराब हो, वो भी नहीं चाहते किसी गरीब विधवा परेशान कमजोर को परेशान किया जाए। मगर तुम ऐसे कोतवाल पता नहीं रामपुर जनपद में एक ही हो जो हमारे लोगों की इज्जत करना नहीं जानते, लोगों को सम्मान देना नहीं जानते। आप उसकी लड़की वापस कर दो। वो लड़की किसी हाल में वापस दी होगी क्योंकि यहाँ का सांसद और विधायक जो है मुझसे कह चुका है लड़की गई तो हम यहाँ पे तमाम तुम्हारा ट्रांसफर तुम्हारी। बोले मुझे नौकरी बिताना मुश्किल पड़ रही है, मैं नौकरी से डर तुझे हिंदू समाज के लोगों से नहीं है, तुझे योगी जी से नहीं है, तुम्हें यहाँ पे जो अधिकारी यहाँ पे तमाम हमारे संगठन के लोग गए उनसे नहीं है। मैंने कहा फिर भी देखो अब भी ध्यान करो कि भाई ये योगी जी की सरकार है, तुम्हें थाना मिला है, इसमारे मिला है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंदुओं की मदद करो, और जायज मदद है भाई, उसने लड़की पाली है इस वजह से, थोली पाली है। देखिए थाना स्वार पर वादे द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर उनकी विवाहिता पुत्री को भगा ले जाने के संबंध में नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ था। नामजद अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई हुई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान अपहृता अपने परिजनों के पास आ चुकी है, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।